दोस्तों इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ देखते ही देखते एक आम सी पिक्चर को भी मीम बना दिया जाता है और करोड़ों लोग इसको शेयर भी कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मशहूर मीम्स के पीछे की असल कहानी बताऊंगा, जैसे ये दिखती हैं वैसे असल में है नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल टॉप 5 बेस्ट उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ मौजूद घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 5, दोस्तों इस मीम को तो यकीनन आप सब जानते ही होंगे, तकरीबन हर मीम वीडियो में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो तकरीबन 8 साल पुरानी है जिसमें कुछ कॉलेज फ्रेंड्स रैप कर रहे हैं। इन सब को क्या पता था कि इनकी एक वीडियो इतनी मशहूर हो जाएगी कि हर मीम का हिस्सा बन जाएगी। ये लड़का आप देख रहे हैं, इसका नाम शॉन रॉय है। ये लड़का अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैटल रैप किया करता था और इसकी वीडियोज यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया करता था। इसे क्या पता था कि इसकी एक वीडियो इतनी मशहूर हो जाएगी कि इसे मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगेगा। नंबर 4, दोस्तों इस तस्वीर को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। ये भी दुनिया की मशहूर तरीन मीम में से एक है, मगर इसकी बुनियादी कहानी भी कुछ और ही है। इस बच्चे का नाम सैमी है और ये अमेरिका में रहता है। 2007 में जब ये 11 माह का था तो फैमिली के साथ बीच पर मौजूद था। ये बच्चा वहां रेत खाने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान इसकी माँ ने इसकी तस्वीर ले ली और फिर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये मीम के तौर पर वायरल होने लगी। इस तस्वीर के मशहूर होने के बाद इसको टी शर्ट्स और इसके साथ साथ ब्रांड के साथ भी दिखाया जाने लगा और यूं इस फैमिली को इस तस्वीर के बदले अच्छा मुआवजा भी मिलने लगा और आज भी ये एक मशहूर मीम के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। नंबर 3, दोस्तों इस मशहूर चेहरे वाली मीम को तो यकीनन आपने ज़रूर देखा होगा। इस चेहरे पर अब तो करोड़ों मीम्स भी बन चुकी हैं, लेकिन ये चेहरा और इसकी असल कहानी आखिर है क्या? दोस्तों इस शख्स का नाम याहू मिंग है और ये एक चाइनीज़ बास्केटबॉल प्लेयर है। इस मशहूर मीम का आगाज 2009 में हुआ जब याहू मिंग अमेरिका में बास्केटबॉल मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके साथ इसका साथी दोस्त प्लेयर भी मौजूद था। जब इसके दोस्त से एक सवाल पूछा गया तो इसने काफी फनी जवाब दिया और यूं याहू मिंग इस पर जोर जोर से हंसने लगा। इस वाक्य को तकरीबन एक साल गुजरने के बाद किसी ने इंटरनेट पर याहू मिंग के हंसने वाले चेहरे का स्केच बनाकर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते ये वायरल हो गया और आज हम इस चेहरे को मीम में इस्तेमाल होता हुआ देखते रहते हैं। नंबर 2, जख्मों पर नमक ऐसे लगाते हैं। दोस्तों यकीनन आप इस मीम को भी जानते ही होंगे। इस शेफ का नाम नुसरत है जिसका ताल्लुक तुर्की से है। नुसरत का ताल्लुक एक गरीब घराने से था और ये रेस्टोरेंट में काम किया करता था। 2017 में इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये नमक को अलग ही अंदाज में डाल रहा है और देखते ही देखते इसकी ये वीडियो इतनी मशहूर होगी कि ये दुनिया का मशहूर शेफ बन गया और आज तुर्की, दुबई और दुनिया के कई और ममालिक में इसके अपने रेस्टोरेंट्स भी हैं, मगर इसकी ये वायरल होने वाली वीडियो आज भी मीम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, दोस्तों अब बात करते हैं आमिर लाकिद की उस वीडियो क्लिप की जो कि काफी ज्यादा मीम्स में इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसकी असल कहानी कुछ और ही है। रमजान ट्रांसमिशन में जब आमिर लाकिद नात ख्वां को सराते हुए जज्बाती तौर पर कुछ रिएक्शन देते हैं जो कि बाद में देखते ही देखते मीम के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जाते जाते तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल टॉप 5 बेस्ट उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ मौजूद घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।